का कुछ प्रयोग अक्षम्य है, अस्वीकार्य है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। राजेश पंडित अभिनेता हमारे साथ हैं, राजेश पंडित जी। कंचन द्विवेदी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। कंचन जी का स्वागत है। साध्वी विश्वरूपा जी हैं, हिंदू धर्म गुरु, उनका स्वागत है। राहुल ईश्वर सोशल एक्टिविस्ट हैं, राहुल जी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई मैं बात राजेश पंडित जी आपसे शुरू करूं। आपकी बिरादरी को ये समय समय पर कौन सी हुड़क लगती है कि इस ढंग का कर्तव्य करने पर आमादा हो जाते हैं? मैं MF हुसैन के समय में भी ये सवाल लेकर खड़ा था। मैं पीके बनी तब भी ये सवाल लेके खड़ा था। ओ माई गॉड बनी तब भी ये सवाल लेके खड़ा था कि दादा सारा क्रिएटिविटी इधर ही दिखाओगे क्या? किसी और धर्म के मामले में ऐसी कोई क्रिएटिविटी हुई है या हो सकती है? राजेश जी देखिए, आपके जो सवाल हैं वो बिल्कुल सही हैं, और सही बात को हमेशा सही कहना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए। अब जैसे आपने पीके की बात कही या और कई आपने उदाहरण दिए, और अब हालिया जिस विषय पे आज हम बैठे हैं, तो मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती और सभी जगह सभी तरह के लोग नहीं होते। तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों से और आपके इस माध्यम से, आपके इस मंच से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपने पूरे समाज की ओर से, मतलब कलाकार समाज की ओर से। और रही बात जहाँ तक कलाकारों की, तो अगर कोई सच्चा कलाकार है तो वो कलाकार तो समाज का को प्रतिबिंबित करता है, उसका एक आईना होता है। तो अगर इस तरह की, जिस तरह की पीके में दिखाई गई घटनाएं हैं या अब जो ये माँ काली के ऊपर इस तरह से इन्होंने किया है, तो वो अक्षम्य है। और मैं तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ना जाने आपकी वाली बात जो आपने अभी अभी कही है, ना जाने हमारे कलाकार समाज में ऐसा क्या क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं लोग। इसको क्रिएटिविटी नहीं कहते, मैं इसको सीरियसली इसका खंडन करता हूं। और अपने जो सचमुच क्रिएटिव हैं, जो सचमुच कलाकार हैं, मैं उनकी ओर से ऐसे कुकृत्य के लिए क्षमा चाहता हूं। जी, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये मैं देख रहा हूं बॉलीवुड में, आपने पीके बना दी, आपने ओ माय गॉड बना दी, आप जितना कलाकारी है वो यही करते हो आप। राजेश पंडित, मैंने तो जैसा कि आज विषय है और जिस विषय पे हम यहाँ बैठे हैं जी, मैंने तो आते ही सबसे पहले हाथ जोड़ के माफी मांगी है, और इस बात के लिए मैंने क्षमा अर्चना की है अपने तमाम दर्शकों से, आप सब प्रबुद्ध जनों से, और यहाँ आपके मन से मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। और जिस तरह के ये जो सो कॉल्ड, ये जो इस तरह के लोग हैं, ये तथाकथित लोग, जैसे अब माँ काली के लिए इन्होंने ये स्वांग दिया, इस तरह से कर दिया, ये बहुत कम लोग हैं। मतलब बमुश्किल से, मतलब अगर परसेंटेज में भी गिने तो 1% से भी कम लोग हैं, लेकिन बदनामी हमारे पूरे समाज को झेलनी कहीं ना कहीं पड़ती है। भाई देखो राजेश पंडित जी, प्रतिशत में मत जाइए जी। आ रहे हैं माँ साधु, आ रहे हैं आपके पास, मुझे कंचन जी के पास भी चलना, आपके पास भी आना। प्रतिशत पे नहीं जाइए जी। दुनिया में असंख्य चीजें हैं जी, हैं जी, चल अचल मिला के असंख्य चीजें हैं जी, क्या इसलिए प्रतिशत का मसला नहीं जी? एक सिरफिरा आदमी पूरे देश में आग लगा दे, पूरी दुनिया में आग लगा दे, तब नहीं। अब जैसे अभी कुछ फिल्मों के अगर मैं उदाहरण दूं, हमारी साउथ की जो साउथ का सिनेमा है, वो इतनी खूबसूरत फिल्में बनाते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं। और रही बात बॉलीवुड, बॉलीवुड ये तो चलन में चला आ रहा है बॉलीवुड, लेकिन बॉलीवुड कुछ नहीं, हिंदी सिनेमा है। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोगों की वजह से कहीं ना कहीं, मैं पिछले 30 वर्ष से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, टेलीविजन सिनेमा और सब जगह, साउथ में भी काम कर रहा हूँ इन दिनों, तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों को, और इवन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छा काम करते हैं और आने वाले समय बहुत अच्छा काम लेके आ रहे हैं, तो इन लोगों की वजह से हमें भी सुनना पड़ता है। तो मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि इनका अपराध क्षमा करने योग्य कतई नहीं, और मैं पुनः अपने कलाकार समाज की ओर से
पुनः दर्शकों से माफी चाहता हूं। और इस तरह का जिस तरह से साध्वी विश्वरूपा जी कह रही हैं, कंचन द्विवेदी कह रही हैं, राहुल भाई कह रहे हैं और आपके सारे प्रश्न हैं, वो बिल्कुल वाजिब हैं, बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सटीक हैं। और मैं स्वयं इंडस्ट्री हिंदी सिनेमा से होने के नाते एज अभिनेता इस बात का खंडन करता हूं और जो जिस तरह का कृत्य ये कर रही हैं वो किसी भी रूप से क्षमा योग्य नहीं है। राहुल जी वैसा ना भी हो कि सजा भी खुद ही तय कर दें, मान लीजिए कि एक ही सजा नारा लग जाए, लेकिन फिर भी कोई उपाय तो होना चाहिए ताकि आस्था मान्यता इसके ऊपर जो कुठाराघात होता है उस पर कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए कि नहीं। जरूर राजेश पंडित जी ने जो कहा वो बहुत ही स्वागतार है, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ आमतौर की आम आदमी के तौर से, मगर हमें ऑर्गेनाइज व्यवस्था देना चाहिए। तब तो दुकान ही लूट जाएगी, शटर ही बंद हो जाएगा, तब क्या करेगा? मान लीजिए ऐसी धारणा बन जाए, आपके प्रश्न में ही जी कहीं ना कहीं मैं कहूं तो जवाब छिपा है साहब। जी आपने बड़ा खूबसूरत जो अपना प्रश्न किया है उसी में जवाब है कि लोग ऐसा एक बार अगर कर दें तो मैं तो खुला लोगों को इस बात का आमंत्रण देता हूं, निमंत्रण देता हूं, मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप एक बार ऐसा कर दीजिए ना, एक बार ऐसा कर दीजिए ना। पी के आई थी, ये विषय से अलग है, लेकिन मैं पी के आई थी, लोगों ने हिट कर दी, क्यों कर दी भैया आपने हिट? नहीं क्यों कर दिया आपने हिट? अभी साध्वी जी ने कहा कि नहीं, मैं आपकी बात से जुड़ रहा हूं और आप सारे पैनलिस्ट और आदरणीय अमिताभ जी, मैंने तो आते ही, मैं जिस फील्ड में काम करता हूं, जिस हिंदी सिनेमा जिस इंडस्ट्री में हूं, आते ही आप देखिए कि मैं क्या बोलूं। हम सब लोग यहां बोलने और विषय के लिए बैठे हैं, लेकिन मैं क्या बोलूं? और उन लोगों का जहां मैं प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां बैठा हूं, उनका यहां बन करके वो इस तरह की कुकृत्य कर रहे हैं, तो क्या बोलूं? मैं तो बार बार क्षमा याचना कर रहा हूं आपसे भी और तमाम दर्शक वर्ग से भी, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा कि क्यों नहीं पीके को कंडेम किया? क्यों नहीं भाई, क्यों देखी आपने फिल्म, क्यों देखी? मैं दर्शकों से बात करता हूं साहब। आपने जो कहा, जो आपका प्रश्न था, उसी में जवाब है। कर दें लोग, जब कर देंगे तो बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी इन छदम लोगों को जो तथाकथित ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि अब ये खड़ी हो गई है जो काली के नाम पर, माँ काली के नाम पर इस तरह का जी ये हो, या जैसे जिसने पीके बनाई, या आगे कोई इस तरह की धृष्टता करे, तो एक बार पूरा सनातन धर्म या किसी भी धर्म के प्रति ऐसा कुछ होता है तो लोग खड़े हो जाए ना, मत देखिए ना वो। देखिए मैं कहता हूं कि कुछ सौ लोग या कुछ हजार लोग सड़क पर उतर के विरोध करते हैं, नहीं बनती बात। विरोध आप देखिए मत ना, आप उसको देखिए ही मत, करोड़ों रुपए डूब जाएगा उसका। निश्चित रूप से लोगों को कंडम करना चाहिए गलत चीजों का, विरोध करना चाहिए। साध्वी विश्वरूपा, ये बात राजेश पंडित ने बड़ी पते की कही, उन्होंने कहा कि हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा, आप मना कर दीजिए, मत देखिए दोबारा कोई दो चार पांच दस करोड़ सौ दो सौ करोड़ रुपए लगाने की हिम्मत ही नहीं करेगा जी, एक बार पैसा डूब जाएगा किसी का तो। 300 से 500 रुपए की, माफ कीजिएगा एक सेकंड रुकिएगा, 300 से 500 रुपए के बीच की भारी भरकम टिकट खरीदते हैं और उसके बाद बताते हैं पीके देखो बड़ा मजा आता है, भगवान शिव के पीछे भाला लेके भाग रहा है। कौन बता रहे हैं भाई, कौन बता रहे हैं? 130 करोड़ की जनसंख्या में 100 करोड़ तो हम अपने ही हैं, आपस में बता रहे हैं। वहां कंडम कीजिए, नहीं खरीदनी। अच्छा क्यों नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, बता दीजिए ना ये फिल्म नहीं देखनी है, नहीं देखनी भाई वहां तो कहने देखिए, तो कर दीजिए बिल्कुल निश्चित रूप से कर दीजिए। ये तो एक बड़ा विषय, मैं साध्वी विश्वरूप आपके पास आ रहा हूं, मैं एक बस स्वागत कर दूं, मानवी तनेजा मॉडल है, अभिनेत्री है, हमारे साथ जुड़ी, उनका भी स्वागत है जी। साध्वी विश्वरूपा, ये सवाल बहुत वैलिड मुझे लगा राजेश पंडित ने कि भाई गाल बजाने भर से क्या होगा, जिसने फिल्म बनाई उसका पर्पज पूरा हो गया, आपने फिल्म देख ली बात खत्म, आपने चिल्लाते हुए देखी या मुस्कुराते हुए देखी इससे कोई फर्क नहीं, टिकट कटा के ना अंदर गए, उसकी जेब में पैसा आ गया, बात खत्म। साध्वी विश्वरूपा जी, जी जी अमिताभ जी, जी राजेश जी, राजेश जी ने बहुत खूबसूरत बात कही है और मैं इनका स्वागत करती हूँ। बहुत सौम्य शालीन तरीके से आपने बात कही, अपनी बात को रखा है, परंतु जितना आपने कहा कि आप ये बोल सकते हैं कि फिल्म को ना देखिए, आपकी हिमाकत होगी ही नहीं जी। मैं तो सिर्फ आपकी ही बात के प्रत्युत्तर में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपके लोग आपको कहते हैं कि साध्वी जी आप मत कहिएगा कहीं आपको धमकी ना आ जाए,
तो मैं उसी तरह से बता दूं कि मैं तो जहां काम करता हूं जिन लोगों के बीच में, वहां ऐसे बहुत सारे लोग हैं अनगिनत जो डिबेट्स में आने को ही मना कर देते हैं, कि अरे भैया अभी तो काम शुरू किया है, धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ है। लेकिन लेकिन मैं पूरी मर्दमी और मजबूती के साथ, मैं कलाकार बाद में हूं, कुछ और बाद में हूं, पहले भारतवर्ष के सत्य सनातन धर्म का बेटा हूं, अपने लोगों की बात करूंगा, अपनी बात करूंगा, सत्य की बात करूंगा और सच्ची बात करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस डिबेट के अलावा भी, मैंने बड़े बड़े मंचों पर, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा एक बात कही है, सही को सही कहना हमारे संस्कारों ने हमें सिखाया, हमारे माता पिता बुजुर्गों ने सिखाया है। तो मैं तो आपके इस मंच से भी बहुत सारे लोग देखेंगे, लाखों की तादाद में लोग देखते हैं, आगे भी बढ़ेगा, और बहुत सारे लोग हो सकता है कि मुझे आने वाली सीरीज में, आने वाले प्रोजेक्ट्स में, भाई उस दिन तो आपने पूरा बड़ा आप सिनेमा के लिए, अपने इसी इंडस्ट्री के लिए उल्टा बोल रहे थे, उल्टा नहीं बोल रहा था, जो सच्ची बात है वो सच्ची कह रहा था, अगर मुझे काम आता होगा और मेरा समाज और मेरी दुनिया मेरे साथ होगी तो निश्चित तौर पर मुझे काम मिलेगा। ठीक बात, ठीक 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 बात, ठीक आएंगे 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 साथ में। मानवी तनेजा, पीके पीके, फिर ओ माय गॉड, और अब ये काली, ये क्या ट्रेंड बनाना चाहता है बॉलीवुड? देखिए मैं तो ये बोलना चाहती हूँ, ये सोसाइटी है दोगलेपन की, जो बोलती कुछ है और देखती भी है जी। तो आप बोलते क्यों है? आपको सबको पता है, अभी मैं सब पैनलिस्ट को सुन रही थी, वो कह रहे कि अपमान हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो मत देखिए ना। आप टिकट खर्चते हैं, बिल्कुल सही कहा मुझसे पहले एक पैनलिस्ट ने कि टिकट खर्चते हैं 500 रुपए की टिकट, 500, अब वो 300 से भी अब ज्यादा हो गई है, 500 की टिकट है, और पॉपकॉर्न ले लो तो 200 रुपए और लगे जी, 200-300। एग्जैक्टली, और आप देख रहे हैं, अगर आपको बायकॉट करना है, जैसे बार बार बोलते रहते हैं, प्रेस करते रहते हैं कि बायकॉट करिए, तो एक्चुअल में बायकॉट करिए, मत जाइए देखने के लिए, क्योंकि जब आप पिक्चर बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्शन हाउस मूवी बनाता है, उसमें बहुत सारा पैसा लगा होता है, और एक या दो बत्तियों से पिक्चर नहीं बनती है, काफी काफी बड़ा प्रोडक्शन हाउस होता है जो मूवी पे पैसे लगा करके मूवी बनाते हैं। अगर आप मूवी का खंडन कर देंगे, मूवी को नहीं देखेंगे, एक प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट, तीन प्रोजेक्ट को आप नहीं देखेंगे, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन हाउस वो मूवीज बनाना बंद कर देगा। लेकिन आप प्रधान होते हैं तभी तो वो इतना अच्छा एक्ट कर पाते हैं, परंतु यहाँ आत्मा मर चुकी है। आप सोचिएगा, जैसा उन्होंने बताया है, जैसा उन्होंने बताया है कि आप फोटो एक फोटो को देख कर आपके बाद बॉम्ब लगा हुआ है, क्या आपके माता पिता आपको अंदर जाने को भी आपत्ति है? अगर आपके बाद बॉम्ब लगा हुआ है, राजेश पंडित, आपके ओपिनियन क्या है? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जैसे अभी साध्वी जी ने कहा, और बहुत देर से बहस हो ही रही है मानवी में और कंचन जी में जी। तो मानवी अपनी जगह वही तो कह रही है कि भाई आप जो चीजें बना रहे हैं उनको सड़क पे उतर के, मैं तो कह रहा हूं सड़क पे उतर के 1,000, 2,000, 10,000 की भीड़ उसका विरोध करेगी। अरे आप उसे देखिए मत ना, विरोध बिल्कुल हो गया, पूर्णतः विरोध हो गया, हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट आपका गड्ढे में चला जाएगा। एक बात, दूसरी बात एक मिनट कंचन, कंचन जी एक बार रुको भाई, रुकिए कंचन जी, रुकिए जी, राजेश जी कहिए, साध्वी जी, कंचन जी, कंचन द्विवेदी रुकिए अभी जी, कंचन जी देखिए, मैं साध्वी विश्वरूपा जी, आपने जो कहा, आपने जो कहा कि क्या कलाकारों की आत्मा मर चुकी है, मैं तो सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूं कि हर कलाकार की आत्मा नहीं मर चुकी है, और इस तरह के जो छदम हैं, 2, 4, 6, 10 लोग हैं, ये इनकी आत्मा सचमुच मर चुकी है, जैसे कि मां काली पर ये कुकृत्य करने वाले या किसी और इस तरह का प्रोजेक्ट बनाने वाले, इनको आप कहिए, इनको आप कहिए कि इनकी आत्मा मर चुकी है, जिनकी आत्मा जिंदा है, जिनका जमीर जिंदा है, वो आपके समक्ष बैठे हैं और बार बार सही बात को सही कहने की हिम्मत रखते हुए सही कह रहे हैं। बार बार आपके लिए तालियां बजा रही हूँ, आप बहुत शानदार बात कर रहे हैं, परंतु आप देखिएगा, पोस्टर से ही आप समझ आता है, अगर किसी के घर के बाहर बॉम्ब लगा दिया जाता है
तो क्या अंदर माँ बाप उसे अंदर जाने देंगे? मैं आपको इस बात से आश्वस्त वहीं कर पे दूं उसे रिफ्यूज साध्वी जी, करेंगे वहीं पे। मैं आपको इस बात से आश्वस्त कर दूं, चाहे वो मैं राजेश पंडित हूं, चाहे वो मानवी मानवी तनेजा हैं, या हमारे अलावा ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं जो इंडस्ट्री का पार्ट होते हुए विरोध विरोध काम नहीं करेंगे। जब इंडस्ट्री कलाकार बहिष्कार करना शुरू कर देंगे, निश्चित मैं अब आप सुन तो रहे नहीं है, अब आप सुन तो रहे नहीं, कम से कम सुनिए तो। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि चाहे मैं हूं, चाहे मानवी हैं, या हमारे अलावा बहुत सारी ऐसी एक बड़ी संख्या है जो निश्चित तौर पर, देखिए जब हम अपने ही फील्ड में अपने ही लोगों का विरोध करते हैं तो समझ लीजिए कहना बड़ा आसान है, करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ी मजबूती चाहिए, और उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं आगे आ रहे हैं और मजबूती से अपना पक्ष यही नहीं वहां भी रखते हैं कि ये चीज है। मैं आप जाइए मुझे गूगल पे सर्च कीजिए, मैंने ऐसे कम से कम 10 से 20 प्रोजेक्ट छोड़े हैं जो कहीं ना कहीं संस्कृति के विरोध में थे, इधर उधर थे, खिलाफ थे, जो मैं खुद नहीं चाहता कि मेरे बच्चे देखें, जो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे देखें, मैंने उनमें काम नहीं किया। अब आप समझिए कि हम लोग जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जो इस फील्ड में काम करते हैं, हमारा कोई और दूसरा काम तो होता नहीं, परचून की दुकान नहीं चलाते हम गांव में कहीं भी जिससे हमारा घर चल जाएगा, यही सब करने से हमारा काम चलता है, अभिनय करने से, काम करने से। लेकिन फिर भी हम मजबूती के साथ, मैं हूं, मानवी हो, हमारे अलावा बहुत सारे और लोग हों, अब मजबूती के साथ अपनी बात को रखते हैं और वो काम कतई नहीं करते जो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक बात, राहुल ईश्वर, तो विकल्प यही है जिस विकल्प की ओर राजेश पंडित कह रहे थे या मानवी कह रही थी, विष मत बनाइए, उसको तेजाब मत बनाइए।